ने भक्ति योग के माध्यम से मानव जीवन को दिव्यता की ओर प्रवृत्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। भक्ति योग उनके उपदेशों में एक अद्वितीय और प्रेमपूर्ण भावना को स्थापित करता है, जो व्यक्ति को दिव्य साकार और निराकार भगवान के साथ एकता में ले जाने का माध्यम प्रदान करता है। भक्ति योग के सिद्धांत में भगवान ने प्रेम और सेवा की भावना को सबसे ऊंचा माना है। भक्ति योगी को ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण और आत्मनिर्भरता के साथ सेवा का भाव बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने बताया कि आत्मा का आदिकाल से ही भगवान के साथ अद्वितीय रिश्ता है और यह साकार और निराकार रूप में सार्थक है। भगवान के साथ भक्ति में उन्होंने निष्काम प्रेम का महत्व बताया। उनका कहना था कि भक्ति में सच्चा साधक प्रेम के साथ भगवान के प्रति समर्पित होता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उन्होंने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार भक्ति योग में सच्ची प्रेम भावना से भरपूर होना चाहिए, जिससे व्यक्ति को आत्मा का साक्षात्कार हो सके और उसे भगवान के साथ अद्वितीय रूप से जोड़ा जा सके। भक्ति योग का अर्थ भगवान के प्रति आत्मसमर्पण से है, जिससे भक्त आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है और उसे मुक्ति का अनुभव होता है। भक्ति योगी अपने कार्यों में भगवान की सेवा का भाव बनाए रखता है और उसे सब कुछ भगवान के लिए करता है, नतीजतन उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान ने भक्ति योग में निष्काम कर्म का महत्व बताया है, जिससे भक्त अपने कर्मों को ईश्वर के साथ समर्पित करता है और फल की आकांक्षा छोड़कर सिर्फ सेवा में लगा रहता है। इससे भक्त को मोह और आसक्ति की बुराई से मुक्ति मिलती है और वह अद्वितीय ब्रह्मा को प्राप्त करता है। भक्ति योग में भगवान ने कहा कि सच्ची भक्ति में आत्मा की उदारता और निर्भीकता होती है, जिससे भक्त अपने आत्मसमर्पण को बढ़ाता है और सभी जीवों में भगवान का दिव्य स्वरूप देखता है। भगवान के अनुसार भक्ति योगी अपने हृदय में प्रेम की अनंत झील खोलता है और सभी स्तरों पर अनुभूति करता है कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। भक्ति योग में भगवान ने साकार और निराकार भगवान के साथ नित्य संबंध बनाए रखने की महत्वपूर्णता को बताया है। उनका उपदेश है कि भक्त को भगवान के साथ सच्चा और आत्मिक मिलन होना चाहिए, जिससे वह आत्मा की शांति और आनंद का अनुभव कर सके। भक्ति योग में भगवान ने अपने भक्तों को अपने साथ साकार और निराकार रूप में सब कुछ में एकता का अनुभव करने की प्रेरणा दी है। भक्त अपने दृष्टिकोण को बदलकर दिव्य सत्य को पहचानता है और सभी जीवों में भगवान की प्रतिष्ठा को महसूस करता है। भक्ति योग के अनुष्ठान से भक्त अपनी भगवानी भक्ति में एकाग्रचित होकर आत्मा को परमात्मा के साथ एकता में मिलाने का साधना करता है। इस माध्यम से वह अपने कार्यों को भगवान के सेवार्थ में समर्पित करता है और सच्ची साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। भगवान ने भक्ति योग में साधकों को नीति, विनम्रता और सहिष्णुता की प्रेरणा दी है। भक्ति योगी को चाहिए कि वह अपने जीवन में दया, क्षमा और प्रेम की भावना को बनाए रखे और दूसरों के प्रति समर्पित रहे। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग में दिए गए उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति योग एक साधक को आत्मा के साक्षात्कार और ईश्वर से सच्चा मिलन की ओर प्रवृत्त करता है। यह साधक को आत्मा के अद्वितीयता में समर्पित होने का अनुभव कराता है और उसे संसार में न्याय, शांति और प्रेम की भावना से युक्त रहने का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से भक्ति योग साधक को आत्मा की शांति, आनंद और समर्पण की अद्वितीयता में मधुर रस का अनुभव करने का उत्कृष्ट राह है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी प्रेम भावना को व्यक्त करता है और स्वयं को उस दिव्य सत्य के साथ एक करता है। भगवान की कृपा और प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्त अपनी आत्मा को समर्पित करता है और भगवान के प्रति अपने बहुमुखी समर्पण को अनुभव करता है। भक्ति योग में उन्होंने साधकों को निरंतर साधना की अनिवार्यता का उपदेश दिया है। साधना के माध्यम से भक्ति योगी अपनी आत्मा को ध्यान में लगाता है और भगवान के प्रति अपनी प्रेम भावना को बढ़ाता है। यह उसे दिव्यता की ओर निरंतर प्रकट होने का अनुभव कराता है और उसे अपने उद्दीपन की ऊंचाई तक पहुंचाता है। भगवान ने भक्ति योग में जीवन के सभी पहलुओं में समता का महत्व बताया है। भक्त अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सभी स्थितियों में संतुलन और समर्पण से युक्त रहने का सुझाव दिया है।
इससे भक्त को अपने आत्मसमर्पण की सच्ची महत्वपूर्णता का अनुभव होता है और उसे अपने जीवन को पूर्णता की दिशा में प्रकट करने का अवसर मिलता है। भक्ति योग में भगवान ने साधकों को सच्चे आत्मविकास की दिशा में मार्गदर्शन किया है। भक्त अपने आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ध्यान, धारणा और साधना में लगा रहता है और इससे उसकी आत्मा को शुद्धता, शांति और आनंद का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग में दिए गए उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति योग व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार और ईश्वर से सच्चा मिलन की ओर प्रवृत्त करता है। इस पथ में व्यक्ति अपनी आत्मा को समर्पित करता है और भगवान के प्रति अपनी प्रेम भावना को बढ़ाता है। इसके माध्यम से वह अपने कार्यों को भगवान के सेवार्थ में समर्पित करता है और सच्ची साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से भक्ति योग साधक को आत्मा की शांति, आनंद और सामर्थ्य का अनुभव करने का मार्ग प्रदान करता है। यह एक साधक को अपने स्वयं के भूले हुए सत्व को पुनः उत्कृष्ट और दिव्य स्थिति में ले जाता है। भगवान ने भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति को भगवान के साथ सहज और नित्य संबंध स्थापित करने का सिखाया है। भक्ति योगी अपने मन, वचन और क्रियाओं से हमेशा भगवान के साथ जुड़ा रहता है और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में आनंदित होता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार भक्ति योग साधक को संसार में कर्म करते हुए भी आत्मा के प्रति समर्पित बनाए रखने की कला सिखाता है। यह उसे उच्चतम आदर्शों और नैतिक मूल्यों की ओर प्रवृत्त करता है, जिससे समाज में उदार और सेवाभावी बनने का समर्थन करता है। भक्ति योग में भगवान ने आत्मा की अद्वितीयता और ब्रह्मा से मिलन की अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। भक्ति योगी को आत्मा का सत्य और शांति का अनुभव होता है, जो उसे संसार में अभय और आनंद में रहने में मदद करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।